मैं कोई नेता या लीडर या सोशल वर्कर नहीं हूँ जिसने नाम कमाने के लिए टिकट खरीदे है। अगर मुझे पता होता कि आप पे ऊपर मेरी खूबियाँ जाहिर की जाएगी, तालियों से स्वागत किया जाएगा, हार पहनाया जाएगा, तो मैं शायद कभी नहीं आता। एक भाई अगर दूसरे भाई की मदद करता है तो कोई एहसान नहीं करता, अपना फर्ज निभाता है। अगर मैंने इन यतीम बच्चों के लिए कुछ किया है तो अपने भाइयों के लिए किया है, अपने बिरादरियों के लिए किया है, क्योंकि मैं भी इन लोगों की तरह एक यतीम हूं। जब होश संभाला तब न माँ की गोद थी न बाप का छाया था, फुटपाथ थी, लोगों की गालियां थी, भूख और गरीबी का छाया था, मैं था, मेरी तन्हाई थी, लोगों की धुतकार थी, जमाने की ठोकरें थी, लोगों की गालियां थी। ऐसे में एक हमदर्द मिला, उसे मेरी हालत पे रहम आया और मेरे सर पे हाथ रख दिया। मैं रो पड़ा। उसने गीत गाकर मेरे जख्मी दिल पर मरहम लगाया। उस मरहम के सहारे हम आज भी जिंदा है, वरना हम तो कब के मर चुके होते। वो गीत मेरे जहन की वादियों में आज भी गूंज रहा है, मैं उसे भूला नहीं। मैं गली या चौराहे पे कभी नहीं गाता, नहीं, बल्कि जब खोए हुए हमदर्द की याद आती है, जब कभी जिंदगी में मायूस हो जाता हूं, तभी ये गीत मैं गुनगुना लिया करता हूं। वो ही गीत आज आपके सामने है, अगर आपकी इजाजत है तो। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। थैंक यू।